और चाहिए? बोलो। अरे बाबा, अरे बाबा बचाओ। सिंपू, ये केस तो उलझता जा रहा है। 14 नंबर का जूता पहनने वाले को आखिर कैसे ढूंढे? कुछ समझ नहीं आ रहा सिंपू। सिंपू, सारी चोरियां बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम्स में हो रही हैं। अपने शहर में 4 बीबीआई बैंक के 4 एटीएम सेंटर्स हैं। लगता है अगली चोरी वही होगी। चलो सिंपू, टाइम फॉर सम एक्शन। ये जरूर उस चोर का ही काम होगा। भूत, भूत, बचाओ, बचाओ! अंदर बिना मुंडी का भूत है। सिंपू, वो रहे चोर। लेट्स कैच देम। जल्दी चलाओ गाड़ी, जल्दी। और ये लगा निशाना। शरारती बच्चे, तू फिर मेरा प्लान चौपट करने आ गया। इस बार नहीं छोड़ूंगा। इतना आसान भी नहीं है। इन्हें पकड़ना होगा। सिंपू, तुम साइकिल संभालो। सिंपू, तूने उस चोर की आवाज सुनी? मुझे लगता है कि मैंने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है, पर कहाँ? आज बाल बाल बच गए। उस नन्हे जासूस ने तो मुझे फिर से पकड़ ही लिया था। वो पिद्दी आपके प, 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 पीछे यहाँ भी पड़ गया। याद है एक बार प, 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 पहले हमें उसी बदमाश बच्चे ने ब, 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 बैंक लूटते हुए पकड़ा था। इस बार तो वो मेरे हाथ से बच गया। अगली बार मिला तो उसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। बॉस, आप हर बार बीबीआई बैंक में ही क्यों डाका डालते? शहर में दूसरे भी तो बैंक हैं। मत पूछ छोटे, बहुत दर्द भरी कहानी है। बताइए ना बॉस, सुना है दर्द बताने से हल्का हो जाता है। जेल से छूटने के बाद मैं एक आम आदमी की तरह इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था। नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैं एक टैक्सी का लोन लेने बीबीआई बैंक में गया था। वहाँ के मैनेजर ने मुझसे मेरा नाम, पता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इनकम टैक्स फाइल मांगी। लोन कैंसिल हो गया होगा क्योंकि आपके पास वो सब तो होगा ही नहीं। यार तू बीच में मत बोल, ये मेरी स्टोरी है। मैंने सब नकली पेपर्स का इंतजाम कर लिया था। आप कितने इंटेलिजेंट है बॉस। मैनेजर को मैं अपने सारे कागजात देने ही वाला था कि उसी वक्त पुलिस आ गई। तुझे मेरी स्टोरी सुनाने की बहुत जल्दी है ना, तो चल तू ही सुना दे। सॉरी बॉस, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आगे क्या हुआ? लोन पास होने ही वाला था कि तभी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पहचान दिया। उसने मैनेजर को चुगली कर दी कि मैं वही चोर हूँ जिसने उनके बैंक को लूटा था। वेरी सैड। फिर क्या हुआ? मैनेजर मुझ पर आग बबूला हो गया। उसने मेरे सारे पेपर्स फाड़ दिए, मुझे बेइज्जत करके धक्के मार के बैंक से निकाल दिया। मैं शराफत की जिंदगी जीना चाहता था, पर इस बेरहम दुनिया ने मुझे वो मौका भी नहीं दिया। बस उस दिन से मैंने गुनाह के रास्ते पर एक बार फिर कदम रख लिया। मैंने ये कसम खाई कि जब तक मैं उस मैनेजर और उसकी बीबीआई बैंक को बर्बाद नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाउ इंस्पायरिंग बॉस। बॉस से कुछ सीख हकले। सीख लिया। कल मैं भी ऑटो का लोन लेने बीबीआई बैंक जाऊंगा, लेकिन मेरे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड तो है ही नहीं। बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बीबीआई बैंक का आखिरी एटीएम रह गया है,
आज रात उसे लूटने के बाद मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। बीबीआई बैंक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम यहाँ से भाग जाएंगे। थोड़ा लेट चल सकते हैं बॉस, सुबह सुबह मेरी नींद नहीं खुलती है। चुप कर, नहीं तो बीबीआई बैंक की तरह तुझे भी खत्म कर दूंगा। डर गया। हकला टकला। कहाँ देखा है मैंने इस चोर को? उसका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लगा मुझे? सिंपू, तुमने उस चोर की आवाज सुनी थी ना? मुझे लगता है हम इस चोर से पहले मिल चुके हैं, पर कौन हो सकता है वो? अरे, कहीं वो बैंक रॉबर जगावर तो नहीं जिसे हमने पहले भी पकड़ा था? मुझे उस बिन मुंडी वाले चोर का पता चल गया सिंपू, वो और कोई नहीं जगावर ही है, वही जगावर जिसे हमने बीबीआई बैंक में रॉबरी करते हुए पकड़ा था। इंस्पेक्टर प्यारे, 14 नंबर के जूते वाले चोर का नाम जगावर है, उसका पता तो मालूम ही होगा आपको, आजाद नगर खोली नंबर 33, पहले भी तो पकड़ा है आपने उसे। जेल से छूटने के बाद वो अपने ही घर में छुपेगा ना? अब सोच क्या रहे हो, जल्दी जाओ और पकड़ो उसे। पांडू इधर आओ। क्या हुआ साहेब, ये एटीएम चोर का पता चल गया क्या? ये खबरी फिर बाजी मार ले गया। हम आ रहा हूँ जगावर। अपने हाथ ऊपर करो, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो जल्दी। यस बॉस। लगता है मैंने पुलिस को चकमा दे दिया, जगावर को कोई नहीं पकड़ सकता। बाइक को भी अभी फंसना था। अभी मजा चखाता हूँ इनको। पकड़ो उस बदमाश बच्चे को, मेरे पैसे लेके भाग रहा है, पकड़ो उसे। ए लड़के रुक। अरे कहाँ फंस गए? जगावर से पंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरे पैसे, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता लड़के। Well done, Simpu. Simpu, let's hide. सर, मिल गया चोर। ए बिना मुंडी वाले भूत, खुद को कानून के हवाले कर दो, अब तुम बच के नहीं भाग सकते। हाँ। अरे वो बेहोश हो गया है साहेब, कैसे करेगा खुद को आपके हवाले? अरे ये तो जेल से भागा हुआ खतरनाक मुजरिम जगावर है। हाँ? बिना मुंडे का भूत बन के सबको डरा रहा था। हाँ? और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब ये भी मैं समझाऊं, लूट का माल है साहेब। एंड ऑफ क्राइम, इट्स सेल्फी टाइम।